नमस्कार दोस्तों, मैं द्रौपदी नंदा, मेरे चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। पूजा करने जा रही हूँ तो मैं अपने मंदिर से सारे भगवान को नहला धुला कर और नए कपड़े पहनाई हूँ और अब आसन में बिठाने वाली हूँ, फिर इसके बाद में पूजा करूँगी। तो देखिए, मैं अपने माता रानी को नहला धुला के नए कपड़े पहना दी हूँ। माता के लिए ये जेवर और लक्ष्मी माता के लिए ये जेवर मैं यहाँ पे चढ़ा देती हूँ, नारियल भी चढ़ा देती हूँ। सबसे पहले हम झाड़ू की पूजा कर लेते हैं और झाड़ू में भी हम प्रसाद चढ़ा देंगे। इधर पे भगवान जी में भी हम प्रसाद चढ़ा देंगे। दीपावली की दिया के लिए हम भगवान जी के पास कलश रख देते हैं और माता जी के लिए हम चरण लाए थे, चरण की भी हम पूजा कर लेते हैं। माता जी के लिए मैं फल फूल चढ़ा देती हूँ। दिवाली की पूजा के लिए बहुत दिनों से इंतजार रहता है और जब हम दिवाली की पूजा करते हैं तो हमको इतनी खुशी होती है। देखिए, हम दिवाली की पूजा के लिए इतने सारे गहने जेवर पहले से खरीद लिए थे और दिवाली के लिए जलते हैं, इतना सुंदर लगता है। दोस्तों, कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी साझा कीजिएगा और छोटी सी बेल आइकन रहती है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। तो चलते हैं दोस्तों अगली दिवाली की वीडियो के लिए। दिवाली का वीडियो मैं आप लोगों को लक्ष्मी माता की पूजा करते हुए दिखाऊंगी। अभी मैं अपने भगवान के नए वस्त्र पहनाई हूँ, नहलाई हूँ, धुलाई हूँ, क्योंकि सबसे पहले हम मंदिर में जो भगवान जी रहते हैं उनको सबसे पहले हमको
नहला धुला के और भगवान जी को नए वस्त्र दिलाना पड़ता है, क्योंकि आज धनतेरस है, तो धनतेरस के दिन हम भगवान जी को नए वस्त्र दिला दिए हैं और पूजा भी कर ली है और सभी जगह हम दिए भी रखते हैं। धनतेरस के दिन 13 दिया जलाते हैं।